तो हेलो 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 भाई लोग, कैसे हो सभी? होप आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। आज हम लोग फिर से वही खेलने जा रहे हैं, क्लास और रैंक, और वो भी फ्रेंड्स के साथ, आज रैंडम प्लेयर के साथ नहीं। तो देखते हैं कैसा जाता है गेम प्ले। तो इंट्रो देख लो आप लोग, इंट्रो के बाद मिलता हूँ मैं। हमारे साथ आज है सूरज, ओनिस और ज्योति। तो इसी के साथ एक बंदे को G18 की हेडशॉट पड़ गया, और देखते हैं किस बंदे को मार पाते हैं। इधर इसको रिवाइव कर देता हूँ थोड़ा। रिवाइव करने के बाद चलते हैं थोड़ा इस तरफ, क्योंकि वो सामने वाले साइड बंदे हो सकते हैं, क्योंकि अगर हम लोग उधर से निकले तो वो मारेगा हमको। और ये दूसरी वाली को भी हेडशॉट पड़ गया, और ये विक्ट्री हमारे पॉकेट पे। और चारों बंदे देख रहे हैं मुझे, मेरा तो बहुत ही प्राउड वाला फीलिंग हो रहा है। तो इधर आ गए हैं दूसरे वाले राउंड पे। इधर थोड़ा खरीदारी कर लेते हैं हम लोग। दूसरी वाले राउंड का शुरुआत मेरे पे था AN-94। मैंने तो बहुत ही कॉन्फिडेंस वाला फीलिंग आ रहा था, मैं जा रहा था उधर, क्योंकि मुझे तो पहले से ही पता है AN-94 है तो हेड लगेगा बहुत ओपी वाला, तो किल भी मिल जाएगा। तो देखते हैं कितना किल उठा सकते हैं। और ये बंदे को हेड मारने की कोशिश, पर हेड नहीं लगा, वो अंदर घुस गया। हमारे दो बंदे डाउन थे, सूरज डाउन था और ज्योति भी डाउन था, उन दोनों को ही वो लोग मार दिए थे। तो देखते हैं फिर क्या होता है ये वाला गेम प्ले। और एक को मैंने डाउन कर दिया इधर से, उन लोगों का दो बंदे डाउन था, मैंने को मेरे एक डाउन किया और ऑनिस ने अंदर से एक डाउन किया, और इसी के साथ तीनों बंदे को किल कर लिया मैं। तो चलते हैं थर्ड वाले राउंड के ओर। इधर थोड़ा खरीदारी कर लेते हैं हमारे लोग, और जिमोट विमोट दिखा लेते हैं, फिर चलते हैं। इमोट दिखाने के बाद मैंने दिखा दिया कि मेरा कितना किल आया, और इधर टाइम ख़त्म होते हुए हम लोग भागते हुए। तो मैं हर वक्त लेफ्ट साइड से ही जाता हूँ, इस बार देखा मेरे दो बंदे भी ये लेफ्ट साइड से आ रहे हैं, बल्कि चारों बंदे हम लोग लेफ्ट साइड से ही आ गए। तो किल मिलने की इधर कोई संभावना नहीं है। देखते हैं दूसरी वाले साइड चलते हैं, घूम के जाते हैं उधर कोई किल विल मिलता है क्या। तो मुझे एक सामने वाला बंदा दिख गया, वो मेरे पे फाइट भी कर रहा था, यानी कि फायर भी कर रहा था, और वो सामने से आएगा। मुझे लगा कि मैं तो AN-94 है मेरे पे तो हेड मार दूंगा, बल्कि वो ही मेरे को हेड मार दिया AK से। तो मैं इधर डाउन पड़ा हुआ और मेरा फुल किल उठा लिया। तो देखते ये लोग घूम के जाते हैं उसके पास, यानी कि उन लोगों के पास, और किल लेते पाता है कि नहीं देखते हैं। और इसके साथ ओनिस, उसको हेड मार दिया। ओनिस ने एक ही हेड मारा, यानी कि सूरज ने थोड़ा डैमेज दे के रखा था और इसने तो किल ले लिया उसका। तो इसी के साथ उन लोगों का दो बंदे ख़त्म हो चुके थे और दो बंदे अलाइव। देखते हैं क्या कर पाता है ये लोग। मैं सबको लाइक कर देता हूँ पहले। तो सूरज यानी कि मिस्टर यूनिक और एक को डाउन कर दिया, और इधर और एक बंदा घर के अंदर बैठा है, उसको हेड मार दिया डेजर्ट ईगल से। बहुत ही ओपी वाला हेड था ये। तो चलते हैं फोर्थ वाले राउंड की ओर, यानी कि आखिरी राउंड। हमारे पास तीनों राउंड पॉकेट में आ चुके थे। तो इधर टाइम की समाप्ति होते हुए हम लोग ग्लू वॉल मार के इधर जाते हुए थोड़ा कट आउट कर दिया, क्योंकि बहुत देर तक मैंने भागा था। तो इधर दो बंदे हैं अंदर, और हमारा यूनिक और मिस्टर ऑनिस मार रहा था। तो यूनिक को डाउन कर दिया पहले, इसको रिवाइव करता हूँ ग्लू वॉल लगा के। और इसी टाइम एक बंदा आके हुकोंग होके मेरे को शॉटगन से डाउन कर दिया। तो बहुत ही ओपी वाला डाउन था ये, और वो उसका बंदे को रिवाइव भी कर लिया। और इसके साथ मैच हमारे ऊपर भारी पड़ गया, क्योंकि उन लोगों का तीनों बंदे लाइव थे और हमारे एक यानी कि ऑनिस बचा था। तो उन लोगों का तीनों बंदे, हमारे वन बंदे। तो देखते हैं क्या जाता है ये मैच। मुझे तो लगता है हम लोग जीत जाएंगे, क्योंकि ऑनिस बहुत ही ओपी मारता है शॉटगन से।
पर उन लोगों का 3 बंदा था यार, भारी पड़ गया ऑनिस पे और मार दिया उन लोगों ने ऑनिस को। तो उन लोगों के पास 2 राउंड जीत गए वो लोग और हमारे 3 राउंड, यानी कि हम लोग जीत से 1 राउंड हाथ धो बैठे। तो इधर थोड़ा खरीद लेने के बाद मैं फिर से N94 खरीद लिया और तो चलते हैं स्पॉट पे। और इधर मैंने डाउन वाले बंदे को 2-3 हेड मार दिया एक साथ, कैसे पता नहीं गाइस। और हमारे फिर से 2 बंदे डाउन हो चुके थे, यानी कि सूरज और ऑरेंज डाउन हो चुके थे और हमारे पास था सिर्फ ज्योति और मैं। तो मैं इधर आके N94 से एक बंदे को फिर से मार दिया। इधर और एक बंदा अलाइव है और हम दोनों अलाइव हैं। तो देखते हैं, ये वाले राउंड जीतने की कोशिश करेंगे। और ये हुकों होके रखा था और शॉटगन था इस पे, तो मेरे पे चढ़ गया ये बंदा और डाउन कर दिया। देखते हैं ज्योति अब ये मैच निकाल पाता है कि नहीं। वो इधर से आके ग्लूअल फोड़ रहा था और इसके पास तो शॉटगन था यार। ये डर गया कि अंदर खुद को पैक कर लिया ज्योति, उधर से घूम के आ रहा था, मैं तो डाउन था। तो देखते हैं ज्योति अभी, इसको भी मार दिया MP5 से और उसको गुलाब वाला इमोट दिखा रहा है। इसी के साथ हम लोग जीत गए यार। तो रैंक भी थोड़ा 1 लेवल अप हो गया, यानी कि क्लास कोड वाला रैंक। तो मैं मिलता हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वाले वीडियो में। अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया भाई लोग। तो बाय।